दोस्तों आपका स्वागत है टू वे ट्रैवल के नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम ट्रैवल कर रहे थे भीमताल के एक गांव सोनगांव में। तो जाते जाते हमने रास्ते में देखा एक पॉली हाउस लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ ग्रामीण काम कर रहे हैं। तो हम जाके डायरेक्टली इनसे बात करते हैं। देखिए सर, ये है ऑर्गेनिक लाई, इसे कहते हैं लाई, पहाड़ों में इसको लाई बोला जाता है, कहीं इसको राई भी बोलते हैं, ओके, हरा साग बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, आप खाइए, हेल्दी रहिए बिल्कुल। तो ये अभी बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं कि बहुत छोटे पेड़ हम इसको अभी ये हम अभी सेल के लिए इसको तोड़ रहे हैं। ओके, तो मार्केट में अभी क्या ऑर्गेनिक है, जो वैसे तो डुप्लीकेट आपको 15 रुपए 10 रुपए गड्डी मिल जाएगा, बट ऑर्गेनिक है तो ये जाता है 20 रुपए गड्डी। इसके लिए तोड़ी जाती है कम से कम, हम 200 गड्डी पर डे हम इसको निकाल रहे हैं, 20 रुपए गड्डी के तोड़ी। तो देखिए इसमें क्या मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जैसा कि सर हमें बता रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, और 20 रुपये प्रति गड्डी, गड्डी का कोई वेट होता है, हिसाब किताब है या फिर भी गड्डी का कोई वो नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ मार्केट में मंडी पे चलती है, वो एक नॉर्मल गड्डी रहती है कि हमारे जितना हमारे हाथ के अकॉर्डिंग इसको आप बना लीजिए। अच्छा, तो नॉर्मली मतलब हम कह सकते हैं कि 200 ग्राम के आसपास एक गड्डी होता होगा। बेसिकली यहाँ पर जो कस्टमर है वो क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देता है, ऑर्गेनिक है, ओके, फोकस करता है ना कि क्वांटिटी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अराउंड 500 स्क्वायर फीट एरिया में ये पॉली हाउस है, और इसके अंदर लाई नाम की सब्जी ये लोग यहाँ पे उगा रहे हैं, जो कि काफ़ी पौष्टिक बताई जा रही है इनके द्वारा। तो सर इसमें डेली का क्या रहता है, मतलब कितना लाई आप लोग सेल कर लेते हैं डेली का? मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये हम कभी 150 गड्डी, कभी 200 गड्डी, गड्डी मतलब कि हम ये बना रहे हैं, ये एक गड्डी है एक तरीके की, ऐसी कम से कम 200 गड्डी, और ये 15 से 20 रुपए गड्डी मार्केट में बड़े आराम से निकल जाता है। ओके, तो 20 रुपए के हिसाब से डेली का अगर आप बता रहे हैं कि 200 गड्डी, तो 200 क्या है कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, सीजनल है, ओके, तो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, और ऊपर से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, पूर्ण ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो डेली की 200 गड्डी हो जाती है प्रॉपर, या फिर उसमें कुछ कम ज्यादा है? गड्डी मैंने जैसे बताया आपको, 150 गड्डी 200 गड्डी जितना आपने तोड़ लिया, देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि ऐसे हमारे अभी 15 और हमने बना रखे हैं, ओके, ठीक है। तो मोटा मोटा 150 गड्डी भी अगर हम लेते हैं तो डेली का 3000 रुपीज, तो दोस्तों हो जाता है गुजारा। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि छोटे से एरिया में यहाँ पे लाई की फार्मिंग करके लोग 3000 से 4000 रुपये डेली की इनकम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी इनकम है। गाँव में रहना है, शुद्ध है, और खाने में भी काफ़ी पौष्टिक है। हाँ हाँ, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ। बड़ी सी बिल्डिंग होती है, बड़ा मजा आता होगा सर आपको इसमें काम करने में। नहीं, कांच की तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं काम करता हूँ अभी बैंगलोर में, तो टाइम टाइम मेरा ट्रैवल होते रहता है। बड़ी बड़ी कुर्सी होती है, बड़ा मेरा भी मन था सर, मैंने भी MBA किया था, तो मैंने बड़ा सोचा कि मैं भी ये करूँगा कॉर्पोरेट ऑफिस, बस ये चल रहा है काम, अभी बस निकल जाता है सर दिन का 3000 रुपये। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सर ने पहले MBA किया, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके यहाँ पे गाँव में खेती कर रहे हैं, और खेती से अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, और गांव में रहने वाले लोग ऐसे ही पॉली हाउस बना के डेली का 3000 से 4000 की इनकम इजीली की जा सकती है। ठीक है सर, तो मेरा यूट्यूब चैनल है टू वे ट्रैवल के नाम से, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ये वीडियो हम उसमें डालेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि लाई की खेती से इजीली 3000 से 4000 प्रतिदिन लोग कमा रहे हैं, और लाई के साथ साथ मैं अभी थोड़ा दूसरी एरिया में पहुंच चुका हूं। ये पहाड़ी सब्जी है जिसे हम अरबी कहते हैं, पिनालू, पहाड़ी में पिनालू बोलते हैं, हिंदी में इसको अरबी कहा जाता है। और इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे काफ़ी सारे मैंने यहां पर वेजिटेबल देखे, जैसे शिमला मिर्च लगी है, बैगन लगा है, और भुट्टे लगे हैं, खीरे लगे हैं, और कुछ मौसमी भी है। तो ये एक ईजी तरीका है जिससे आप घर बैठे अच्छी इनकम कर सकते हैं, हेल्दी खा के फिट भी रह सकते हैं। तो वापस से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।